बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे शाजापुर में छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किया गया, जहां 10वीं के 2 छात्र परीक्षा नहीं दे पाए हैं। निजी स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। परीक्षा केंद्र में छात्रों को प्रवेश ही नहीं करने दिया गया, तो प्रवेश पत्र नहीं होने के चलते छात्र परीक्षा से वंचित रह गए। परिजनों ने प्रबंधन पर धमकाने का आरोप भी लगाया है। तो ये बड़ा मामला जिसमें आप ये देखेंगे कि बच्चों की तरफ से ये कहा गया कि प्रवेश पत्र नहीं था और उसके चलते ही एग्जाम तक नहीं देने दिया गया। दूसरी तरफ प्रबंधन स्कूल का जो लगातार इन बच्चों को धमका रहा था, इस प्रकार के आरोप परिजनों की तरफ से लगाए गए। 10वीं के 2 छात्र हैं, निजी स्कूल प्रबंधन की लापरवाही, प्रवेश पत्र नहीं था और इसलिए परीक्षा नहीं दे पाई। तो देखिए बच्चों के भविष्य के साथ कितना बड़ा मजाक खिलवाड़, जहां स्कूल प्रबंधन निजी स्कूल है, दरअसल इनकी बड़ी लापरवाही ये सामने आई है। बच्चे इसलिए एग्जाम नहीं दे पाए क्योंकि उनको प्रवेश पत्र नहीं मिल पाया, और जाहिर सी बात है कि बिना प्रवेश पत्र के एग्जाम सेंटर में दाखिल होना भी प्रतिबंधित है। अब उनकी माँ भी मौके पर मौजूद है, जो कि ये बता भी रही हैं कि प्रवेश पत्र नहीं दिया स्कूल में, इस वजह से वे एग्जाम नहीं दे पा रहे हैं। और संवाददाता सुनील हंचूरिया जुड़ गया। सुनील, कोई समाधान इस बात का कि बच्चों को प्रवेश पत्र अगर नहीं मिला है तो आगे के भी एग्जाम इनके खराब ही हो जाएंगे, आगे के जितने भी बाकी विषय होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर क्योंकि काफी गंभीर विषय है, ये दोनों बच्चे जो हैं शहर के निजी विद्यालय में पढ़ते थे, एग्जाम है, और वहां पर स्कूल प्रबंधन द्वारा जो है इन्हें कहा गया था कि इन्हें प्रवेश मिलेगा, और ये लगातार पिछले एक सप्ताह से स्कूल जा रहे थे और अपने प्रवेश पत्र की मांग कर रहे थे। 2 दिन पहले तक भी ये लगातार प्रयास करते रहे कि इन्हें एडमिट कार्ड मिल जाए ताकि परीक्षा में बैठ पाए, लेकिन स्कूल प्रबंधन द्वारा इन्हें एडमिट कार्ड नहीं दिया गया। बाद में जानकारी निकलकर सामने आई कि बच्चे एनरोल नहीं हो पाए, तो एनरोल नहीं हो पाए तो फिर एडमिट कार्ड लाने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब जब बच्चे जो हैं वो आज सेम राइज स्कूल जहां इनका परीक्षा केंद्र था वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन क्योंकि एडमिट कार्ड के बिना तो किसी भी बच्चे को प्रवेश संभव ही नहीं है, तो जब बच्चों का एनरोल ही नहीं तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि स्कूल प्रबंधन ने कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे की। अब इस पूरे मामले में स्कूल जो प्रबंधन पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा से बात है सुनील कि बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं, नियमित स्कूल जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे एनरोल नहीं है, ये बहुत आश्चर्य की बात है। तो बहुत बेसिक लापरवाही, बहुत बड़ी लापरवाही। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। और अब जिक्र करें इंदौर की खबर का, जहां मास्क चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। परदेशीपुरा में मास्क चोरों ने लोगों को परेशान कर दिया। पिछले 15 दिन में हुई चोरी की कई वारदातें, चेहरे पर मास्क लगाकर हो रही चोरी, सीसीटीवी कैमरे में चोरी कैद हुई, ई रिक्शा चुराते दिख रहे बदमाश। परदेशीपुरा थाना पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। देखिए तस्वीरें, ई रिक्शा चुराते हुए चोरों का वीडियो सामने आया है, चेहरे पर मास्क लगाकर ये चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं। संवाददाता मिथिलेश गुप्ता जुड़ गए। मिथिलेश, मास्क लगाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया, पूरा घटनाक्रम बताएं, क्या कुछ जांच इस पर? देखिए, पूरा घटनाक्रम है परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का। लगातार सूचना मिल रही थी कि ई रिक्शा जो है घर के बाहर खड़ी ई रिक्शा चोरी हो रही है। आसपास के जब पुलिस ने सीसीटीवी खंगाले तो उसमें एक चोर नजर आया और चोर ने मास्क लगा रखा था, और वो एक नहीं कई मकानों के सामने से गुजरता हुआ, कुछ मकान के अंदर चोरी करता हुआ बाहर सीसीटीवी में कैद हुआ। तो फिलहाल अभी मास्क चोर जो है, मास्क चोर की धरपकड़ के लिए परदेशी पुलिस ने एक टीम का गठन किया है, और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द इस चोर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन चोरी के पहले ये चोर मास्क लगाता है और मास्क लगा के चोरी की घटना को अंजाम देता है। और फिलहाल ये सिर्फ परदेशी पूरा घटना नहीं है, इंदौर के तमाम अलग अलग क्षेत्रों में इस वक्त चोरों का आतंक है, लगातार चोरी की घटना जो है इंदौर से सामने आ रही है, चोरी का ग्राफ तेजी से इंदौर में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका मिथिलेश जानकारी के लिए। तो चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है, हालांकि चोरों को गिरफ्तार करने के दावे पुलिस जरूर कर रही है। वहां इंदौर की बात, जहां बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, वो छात्रों से फीस लेकर रोल नंबर नहीं देने का मामला, स्कूल संचालक पर दर्ज हुआ केस, प्रचार और संचालक का भाई हिरासत में लिया गया, कलेक्टर ने बाद में परीक्षा कराने का आश्वासन दिया है। 8वीं तक मान्यता प्राप्त स्कूल ने लिया था एडमिशन। हीरानगर थाना क्षेत्र का मामला, तो इंदौर का ये पूरा मामला, और यहाँ पर भी इसी प्रकार की लापरवाही, जिससे पहले खबर में हम आपको दिखा रहे थे रोल नंबर। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना है। आप देखते रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश।